हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपको एमपी बोर्ड क्लास सिक्स का लेसन थ्री द किंग एंड द स्पाइडर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द किंग। यानी कि व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द किंग, राजा किस प्रकार का शासक था। क्या क्वेश्चन, राजा किस प्रकार का शासक था। दोस्तों हम देखेंगे इसमें आंसर चेक करेंगे इसका। किंग वाज वाइज ब्रेव एंड काइंड। एक बार और देखेंगे, किंग वाज वाइज ब्रेव एंड काइंड, यानी राजा बुद्धिमान वीर और दयालु था। राजा कैसा था, राजा दयालु बुद्धिमान और वीर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर टू है हु अटैक्ड हिज कंट्री। हु अटैक्ड हिज कंट्री, ने उसके देश पर किसने आक्रमण किया, यानी उसके देश पर किसने आक्रमण किया। तो इसका आंसर हम देखेंगे, ए नाइबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। ए नाइबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, यानी एक पड़ोसी राजा ने उसके देश पर आक्रमण या हमला किया। किसने किया था उसके देश पर आक्रमण, उसके देश के पड़ोसी राजा ने ही आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे। आप इनको अपने नोटबुक में राइट डाउन भी करते जाएं, आराम से आप अपने कॉपी में लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट हैपन्ड टू द किंग एंड हीज सोल्जर इन द बैटल। इन द बैटल, युद्ध में राजा और उसके सैनिकों का क्या हुआ। राजा युद्ध में राजा और उसके सैनिकों का क्या हुआ। दोस्तों हम इसमें देखेंगे, युद्ध में राजा और उसके सैनिकों का क्या हुआ। आंसर है मैनी ऑफ किंग्स सोल्जर्स वेयर किल्ड एंड अदर रन अवे टू सेव देयर लिव्स। द किंग लॉस्ट हीज बैटल एंड हैड टू हाइड इन ए केव। यानी कि आंसर देखेंगे दोस्तों, मैनी ऑफ किंग्स सोल्जर वेयर किल्ड एंड अदर रन अवे टू सेव देयर लिव्स। द किंग लॉस्ट हीज बैटल एंड हैड टू हाइड इन ए केव। इन्हें राजा के बहुत से सैनिक युद्ध में मारे गए और कुछ अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। राजा लड़ाई हार गया और उससे एक गुफा में छिपना पड़ा। किसको, राजा को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर है वाट डिड द किंग सी इन द केव। यानी कि राजा ने गुफा में क्या देखा। वाट डिड द किंग सी इन द केव, यानी राजा ने गुफा में क्या देखा। तो हम देखेंगे इसका आंसर, किंग सा ए स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप ए वॉल इन द केव एंड स्लीपिंग डाउन अगेन
एंड अगेन इट ट्राइड इट अंटिल इट सक्सेड टू क्लाइम द वॉल। राजा ने गुफा में एक मकड़ी को दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखा और वो बार बार गिरते हुए देखा। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक कि वह दीवार पर चढ़ने में कामयाब नहीं हुई। राजा ने क्या देखा था वहाँ पर, यानी कि एक स्पाइडर एक मकड़ी को देखा था। वो क्या कर रही थी, वो कोशिश कर रही थी बार बार दीवार पर चढ़ने की, और उसके बाद बार बार फिसल रही थी, बार बार वो गिर रही थी, फिर भी वह बार बार कोशिश कर रही थी। तब तक कोशिश करी उसने जब तक वह दीवार पर चढ़ने पर कामयाब नहीं हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसका क्वेश्चन का आंसर लिख लें। किंग, एक बार और देख लेंगे, किंग सा ए स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइम अप ए वॉल इन द केव एंड स्लिपिंग डाउन अगेन एंड अगेन इट ट्राइड इट अंटिल इट सक्सीड टू क्लाइम द वॉल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन। व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन, इस पार्ट से आपको क्या सीख मिलती है या इस लेसन से आपको क्या शिक्षा मिलती है। आंसर देखेंगे, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन। इट इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन, यदि पहली बार आप सफल नहीं होते हो तो दोबारा प्रयत्न करो या दोबारा कोशिश करो। अगर पहली बार में आप कहीं पे सक्सेस नहीं होते हो तो आप बार बार वहाँ पर प्रयास करेंगे तो वहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे, वहाँ पर दोबारा प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, इसके ग्रामर देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों, हम यूज़ द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फ्लोइंग प्रोसेस। पैसेज दोस्तों, यहाँ दे रखा बॉक्स में दिए गए शब्दों को निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग करें। यहाँ पे लिखा है फिल्ट, LEET फिल्ट, आर्मी, टीम, बंडल, क्लस्टर, बंच, क्राउड, हर्ड, फ्लॉक, पेयर। तो ए ऑफ पीपल, तो यहाँ पे हो जाएगा क्राउड। ए हर्ड ऑफ केटल, एक पशुओं का समूह। ए बंच ऑफ बनाना, केलों का बंच, गुच्छा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों की एक टीम। ए फ्लॉक ऑफ सीप, भेड़ का समूह। ए बंडल ऑफ स्टिक, लकड़ियों का गट्ठा। एन आर्मी ऑफ सोल्जर, यानी कि आर्मी ऑफ सोल्जर यानी सैनिकों का समूह। ए पेयर ऑफ सूज, यानी जूते। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ने जहाजों का समूह या जहाज नौकाएं। ए क्लस्टर ऑफ स्टार, इन्हें तारों का समूह। तो दोस्तों ये इसके वाक्य में प्रयोग है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, राइट अपोजिट ऑफ दिस वर्ड टू कंप्लीट द वर्ड पजल। दोस्तों यहाँ पे दे रखा है फेल, फेल का क्या हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा। अपोजिट वर्ड देखना है हमको फेल का,
सक्सीज, विन, विन यानी जीतना होता है, विन का क्या हो जाएगा, लॉज हो जाएगा, लूज यानी हारा, फ्यू FEW, फ्यू फ्यू मीन्स कम, मैनी मैनी यानी अधिक, MANY मैनी, फ्रेंड FRIEND फ्रेंड, एनिमी फ्रेंड यानी दोस्त, एनिमी यानी दुश्मन, MY एनिमी यानी दुश्मन, वीकनेस WEAKNESS वीकनेस यानी कमजोरी, स्ट्रेंथ यानी मजबूत, शॉर्ट SHORT शॉर्ट एंड छोटा, LONG लॉन्ग यानी लंबा, हैप्पी HAPPY हैप्पी यानी प्रसन्न, सैड यानी उदास SAD सैड यानी उदास। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, रिवाइट विथ ग्रामर, रिवाइट विथ प्रॉपर फंक्शनल मार्क यानी विराम चिन्ह लगाकर, फंक्शनल मार्क लगाकर उसको पुनः शब्द बनाना है, पुनः लिखें। आंसर दे रखा है महारानी लक्ष्मीबाई वाज ए ब्रेव क्वीन, सी पॉक अगेंस्ट द एनिमीज विथ ग्रेट कोरेज एंड इज रिमेम्बर्ड इन इंडिया हिस्टोरी एज झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है फील इन द ब्लैंक्स विथ ए और बट, विथ यानी साथ में एंड और बट का प्रयोग हमको करना है, तो यहाँ पर दे रखा है राम एंड श्याम बोथ लाइक टू प्ले, राम लाइक टू गो टू स्कूल बट श्याम डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल, राम कीप्स हिज रूम नियर एंड टीडी बस, बट श्याम कीप्स हिज रूम अनटीडी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे दे रखा है अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयर इन द स्टोरी, ने जो ये शब्द दे रखे हैं इनको हमको स्टोरी या कहानी के अनुसार जमाना है, तो द किंग वाज सैड एंड वॉरीड, many of his soldier were killed, the king was wise brave and kind, once a neighboring king attacked his country, people were very happy in his kingdom, once upon a time there was a king, तो सबसे पहले आ जाएगा once upon a time there was a king यानी बहुत पहले एक राजा था, तो ये पहला आ जाएगा 6 वाला। फिर है, फिर आ जाएगा द किंग वाज वाइज ब्रेव एंड काइंड, सेकंड में आ जाएगा तीसरा। फिर देखेंगे हम, फिर आ जाएगा पीपल वेयर एवरी हैप्पी इन हीज किंगडम, फिर है उसके बाद में मैनी ऑफ हीज सोल्जर वेयर किल्ड, बहुत सारे सैनिक मारे गए, और फर्स्ट पे आ जाएगा द किंग वाज सैड एंड वॉरीड, राजा बहुत उदास और चिंतित था। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं।